के कर्नलगंज एरिया के निवासी रईस अहमद के पुत्र आसिफ हुसैन की, जिन्होंने नीट को क्वालिफाई कर लिया है। ऑल इंडिया रैंक 8017 है। कहीं ना कहीं परिवार, क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। नीट के बाद ये रेडियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए अपने लक को आजमाने वाले हैं। वहीं अपने प्रोफेसर नाना जलालपुर अंबेडकर नगर वाले और चार डॉक्टर्स घर वाले और वही एक दीदी जो दिल्ली की डॉक्टर है उनको इंस्पिरेशन मानते हुए पिता का माता का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने न्यू लाइट से कोचिंग करी थी, वहाँ के टीचरों ने मुझे गाइड किया था और दिन रात मतलब पढ़ाई करता था बस। ऑल इंडिया रैंक 8017 हासिल की है, कहीं ना कहीं प्राउड की बात है। डू यू फील प्राउड? यस, आई एम फील वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माय फैमिली, जिसमें जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। पर कॉन्फिडेंस रखी है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं। आप अच्छे से NCERT पढ़ें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और टेस्ट पेपर सॉल्व करें, बस। क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट हम अपने मम्मी पापा को देंगे, जिन्होंने हर जगह मुझे सपोर्ट किया। अपनी पूरी फैमिली को देंगे, खासकर अपने नाना को। हमारे नाना प्रोफेसर शब्बीर हुसैन साहब जो जलालपुर अम्बेडकर नगर में रहते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। जब मैं मतलब पिछले साल बॉर्डर लाइन पर आकर रुक गया था तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, उनको भी मैं कुल मिला के फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली सपोर्ट भी आपको पूरा मिलता है। जी बिल्कुल, फैमिली सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला। सर, आपके फैमिली में चार डॉक्टर्स हैं और पांचवे आप डॉक्टर्स बनने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को, पेरेंट्स को प्राउड हो रहा होगा? जी बिल्कुल प्राउड हो रहा है। घर वाले तो ये मतलब बाहर वाले ये बोल रहे हैं कि जो है पूरी फैमिली में सब लगता है सब डॉक्टर हैं। अच्छा, अब नीट आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद कॉलेज मिलेगा, तो आपकी क्या क्या प्लानिंग है, कहाँ पढ़ने का मन है? तो चाह रहा हूँ मुझे GSM मेडिकल कॉलेज कानपुर का मिल जाए। AMU के लिए भी ट्राई करूँगा, देखते हैं अब किस्मत कहाँ ले जाती है। जहाँ पे भी कॉलेज मिलेगा चले जाएंगे, क्योंकि MBBS की पढ़ाई तो MBBS ही होता है, चाहे जहाँ से आप कर लो, तो जहाँ किस्मत जाएगी वहाँ ले जाएंगे। गर्व की बात है, आसिफ हुसैन कानपुर के हैं, इनके नाना प्रोफेसर प्रोफेसर रहे हैं जलालपुर अंबेडकर नगर में और उनका पूरा मार्गदर्शन इनको रहता है। तो क्या पापा का भी यही प्लानिंग था कि डॉक्टर ही बने आप? जी, पापा का भी यही प्लान था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा भी मतलब अंदर से यही मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे घर में पहले से चार डॉक्टर हैं। एक मेरी दीदी जो है अप्पी जो है वो दिल्ली में डॉक्टर हैं। अच्छा। तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तो पूरा आपको एनर्जी मिलता रहता है ना चार्जअप होने के लिए प्रोफेसर नाना की तरफ से और डॉक्टर अप्पी की तरफ से जो दिल्ली में। जी जी बिल्कुल, उन्हीं से जैसे चार डॉक्टर हैं तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हुआ था उनसे कि मुझे भी उनके जैसा बनना है। हार ना माने, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं है। जी हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना लहरों के नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कानपुर के कर्नलगंज एरिया के निवासी रईस अहमद के पुत्र आसिफ हुसैन की, जिन्होंने नीट को क्वालिफाई कर लिया है। ऑल इंडिया रैंक 8017 है। कहीं ना कहीं परिवार, क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पिता का, माता का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अरफात जी के साथ मैं फैज़ रसूल, NT क्राइम टाइम्स, कर्नलगंज, कानपुर।